और बहुत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उन्होंने थिएटर किया, और उनके साथ जो भी जुड़ा वो हमेशा उसने थिएटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको समझा। इन्होंने बड़े बड़े मेगा प्लेस किए हैं, जैसा कि अभी मैंने वहाँ पे अपनी स्पीच में मैंने बोला कि शतरंज के मोहरे एक ऐसा प्ले था जिसने हिस्ट्री बनाई। तो विलायत जाफरी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनको हम अल्फाज में नहीं मान सकते। हमारी नज़र सिर्फ थिएटर पे होती थी, और हमारे लिए मीडिया यानी फिल्मों में, सीरियल्स में और कहीं भी काम करना हम लोग के लिए इतना अहमियत नहीं रखता था। बच्चे थिएटर में आते हैं, उनकी निगाहें तो फिल्मों पे होती हैं और पैर उनके थिएटर के स्टेज पे होते हैं। जो एक्टिंग की क्वालिटी है, जो होनी चाहिए कला, वो आज के बच्चों में नहीं मिलती। मुझे लगता है कि लड़कियों के जहन में ये बात आ गई है कि अगर वो कपड़े कम नहीं पहनेगी तो शायद वो आगे नहीं बढ़ सकती। यही वजह है कि टैलेंट की कमी होती जा रही है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उस ज़माने में क्वालिटी वर्क था, उसमें परफॉर्मेंस पे, एक्टिंग पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस वक्त हम मौजूद हैं कैफ़ी आज़मी एकेडमी लखनऊ में। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जनाब विलायत जाफरी की ज़िंदगी पे गुफ्तगू के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसी आयोजन में हमारी मुलाकात हुई है। इस वक्त बहुत चर्चा में रह रही हिंदुस्तान में एक मशहूर वेब सीरीज बनी थी आश्रम, जिसमें ठाकुर साहब का किरदार निभाने वाले इकराम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विलायत जाफरी साहब के बहुत ही पसंदीदा एक्टर रहे। उनके साथ इन्होंने कई प्ले निभाए हैं, काफ़ी उनके साथ इन्होंने काम किया है, तो हम उनसे उनके बारे में बात करेंगे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। ये जो आज प्रोग्राम विलायत जाफरी जी की ज़िंदगी पे रखा गया है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दी। देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया कि विलायत जाफरी साहब जो हैं एक ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने लखनऊ में थिएटर को बहुत ऊँचाइयों पर पहुँचाया, और बहुत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उन्होंने थिएटर किया, और उनके साथ जो भी जुड़ा वो हमेशा उसने थिएटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको समझा। और जाफरी साहब हमेशा अपने साथ जो थिएटर में लोग थे उनका ख्याल रखते थे। वो दूरदर्शन से चीफ स्टेशन डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, और एक लंबा सफ़र उनका रहा है लिखने का और थिएटर करने का। और इन्होंने बड़े बड़े मेगा प्लेस किए हैं, जैसा कि अभी मैंने वहाँ पे अपनी स्पीच में मैंने बोला कि शतरंज के मोहरे एक ऐसा प्ले था जिसने हिस्ट्री बनाई, और ये 1.25 घंटे का प्ले था, और इस प्ले में इंटरवल भी था जैसे फिल्मों में होता है। और इसने और भी हिस्ट्री बनाई कि 5-स्टार होटल हमारा जो ताज होटल है, इसमें उसका एक शो हुआ, और उसके अलावा गॉर्डर हाउस में शो हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में शो किया गया। तो विलायत जाफरी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनको हम अल्फाज में नहीं मान सकते हैं। विलायत जाफरी साहब अपने आप में एक ऐसा नाम है कि जो आप नाम लेते ही, जैसे वो कभी कभी एड में नहीं आता था कि नाम ही काफ़ी है जी। तो वो विलायत जाफरी साहब के साथ में है कि नाम ही काफ़ी है। और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ जनाब विलायत जाफरी साहब की वजह से हूँ। उन्हीं की ट्रेनिंग और उन्हीं के रिहर्सल और उन्हीं के प्लेस कर करके मैं एक एक्टर बना, और आज ऊपर वाले के करम से एक जो मुकाम बना है मेरा छोटा मोटा, वो विलायत जाफरी साहब की वजह से ही बना है। जैसे आप अजीम शख्सियत विलायत जाफरी के साथ थिएटर किए, प्लेस किए हैं, तो उस समय के थिएटर में आज के थिएटर में क्या बदलाव आप देखते हैं? ये आपने बहुत ही सही सवाल किया है, क्योंकि देखिए असल में क्या है कि हम लोग जब थिएटर करते थे ना, तो उस वक्त हम सिर्फ थिएटर करते थे। हमारी नज़र सिर्फ थिएटर पे होती थी, और हमारे लिए मीडिया यानी फिल्मों में, सीरियल्स में और कहीं भी काम करना हम लोग के लिए इतना अहमियत नहीं रखता था। और एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है कि उस वक्त फिल्म सनी देओल की फिल्म आई थी गदर, गदर में मुझे कास्ट किया गया था एक रोल के लिए, और वो रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उस वक्त के लिए मेरे लिए बड़ा रोल था। तो उन्होंने जाफरी साहब से जब मैंने राय ली, मैंने कहा कि सर मैं ये रोल मुझे ऑफ़र हुआ है, मैं करूं इसको, तो जाफरी साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मत करो, अभी तुम थिएटर करो, और थिएटर में जब एक बार पक्के हो जाओ अपना, जब तुमको लगे कि हाँ तुमने अच्छा कर लिया है कुछ, उसके बाद फिल्मों में तुम काम करो।
तो हम लोगों की सोच ये हुआ करती थी। आजकल की सोच ये है कि बच्चे थिएटर में आते हैं, उनकी निगाहें तो फिल्मों पे होती हैं और पैर उनके थिएटर के स्टेज पे होते हैं। उनको जल्दी से जल्दी मशहूर होना होता है, जल्दी से जल्दी फिल्मों में काम करना होता है। और यही वजह है कि भाई जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, जो एक्टिंग की क्वालिटी है, जो जो होनी चाहिए कला, वो आज के बच्चों में नहीं मिलती। जैसे उस ज़माने का जो बिलायत जाफरी साहब के ज़माने में जो सिनेमा था और आज का जो सिनेमा है, इसमें आप क्या फ़र्क है? क्योंकि अभी आपकी हाल फिलहाल एक बहुत मशहूर और काफ़ी फेमस आपकी वेब सीरीज आई आश्रम, जिसमें आपने काफ़ी अच्छे अल्फाज भी अदा किए हैं, तो वो आपको अदा करने में दिक्कत नहीं होती? नहीं, देखिए असल में क्या है कि उस ज़माने का जो फिल्म का जो तौर तरीका था, जो चीज़ें थी, तो उसमें लिमिटेशंस थी और ज़बान का भी ख्याल रखा जाता था और बहुत ज़्यादा उसमें कपड़े बहुत ही कम, रेयर फिल्में होती थी जिसमें कम कपड़ों में लड़कियां दिखती थी, हीरोइनें दिखती थी। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चलन है, अगर आप लड़की को, और मुझे लगता है कि लड़कियों के जहन में ये बात आ गई है कि अगर वो कपड़े कम नहीं पहनेगी तो शायद वो आगे नहीं बढ़ सकती। यही वजह है कि टैलेंट की कमी होती जा रही है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। मैंने वो दौर भी, उस ज़माने में भी जब मैं बालाजी के सीरियल्स करता था, तो उस ज़माने में भी एक अच्छा काम होता था, आज भी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस ज़माने में क्वालिटी वर्क था, उसमें परफॉर्मेंस पे, एक्टिंग पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आज बस ये है कि आप छापते जाइए, लपेटते जाइए तो ये हो रहा है आजकल जी। तो ये थे हमारे साथ इकराम खान साहब, जो कि अनुभव सिन्हा जी के तो फेवरेट डायरेक्टर एक्टर हैं, क्योंकि उनके डायरेक्शन में लगभग कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और अब ये प्रकाश झा और अनुभव सिन्हा भी, इनकी हाल फिलहाल एक फिल्म आई थी रात अकेली भी, तो आपको आने वाले वक्त में भी कई फिल्मों में, कई सीरियल्स में आपको ये दिखाई देंगे। और ये बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, इनकी आपको एक्टिंग देखना तो आप आश्रम में फ़िलहाल देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।